कविताओं का, शायरी का, मोहब्बतों का, मुस्कुराहट का और तबस्सुम का एक ऐसा शो जो और कहीं नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि संस्कृति से जुड़े हुए लोग कम है ना इस देश में, लेकिन हम लोग हैं। हम लोग संस्कृति से जुड़े हुए हैं, भाषा से जुड़े हुए हैं, संस्कारों से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपके बीच में आते हैं, कविताएं करते हैं और कहते हैं वाह भाई वाह, क्योंकि भाषा हमारी जो है वो कमाल की, हमारी भाषा का कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। हिंदी जैसी लिखी जाती है वैसी ही पढ़ी जाती है, एक जरा सा भी कोई फर्क नहीं होता। हम विदेशी भाषाओं के गुलाम होते जा रहे हैं, और विदेशी भाषाओं को तोड़ मोड़ के आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे लड़का लड़की रेस्टोरेंट में गए, हमेशा की तरह जब पैसे देने की बारी आई, आप जानते ही हैं उस वक्त लड़कियां बस मुस्कुरा देती हैं। नहीं, ये क्या बात हुई, दोनों प्यार करते हो, दोनों खा रहे हो, दोनों बैठे हो, पैसा बेचारा वो क्यों देगा, लेकिन करना पड़ता है। मेरे खुद के कितने गए मैं बता नहीं सकता। खैर, और जा रहे हैं कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पर लड़कियां लॉजिक भी ऐसे देती है ना। जब रेस्टोरेंट में बैठे थे, पैसे देने की बारी आई, तो लड़के ना, एक लड़के ने कह दिया मैं क्यों दूं। अब लड़की ने जो लॉजिक दिया, उसने कहा देखो भाई, खाना जब हम खाते हैं तो पहले क्या आता है, मेन्यू आता है। मेन्यू की स्पेलिंग क्या है, MENU, तो मेन्यू। तुम मैन हो तो तुम्हें ही देना पड़ेगा। पर लड़का भी उस दिन मूड में था, स्पेलिंग क्या है, बोले MENU, MENU, तो ठीक है, बोले MEME, MU, MEN, U, आधा आधा दे दे। पर हिंदी में आप ऐसा तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते, ये अंग्रेजी में ही हो सकता है। हिंदी तो हमारी बड़ी कमाल की भाषा है, लेकिन ये भाषा आदमी बेचारा कुछ बोले बस, और शादीशुदा आदमी तो जीवन में कुछ बोल ही नहीं सकता। एक दिन घर में बैठा हुआ बस वैसे ही बोला, बाहर बारिश हो रही है, इतना सा बोला, अब अंदर से बेसन नहीं है घर में, बेचारे बोला इतना सा था कि बाहर बारिश हो रही है, घर में बेसन नहीं है, पकौड़े नहीं बनेंगे, तेल भी बहुत महंगा हो गया है, बर्तन अब काम वाली भाई भी नहीं आई है, और ये तो बोलना ही मत कि बर्फ और गिलास लेके आ जा, बच्चे बड़े हो गए, घर में कोई चलेगा नहीं। अरे माँ, मैंने तो इतना बोला है कि बाहर बारिश हो रही है यार, और बोला है क्या, इतना सा भी नहीं बोल सकता आदमी। लेकिन हमारा आदमी जब बोलता है तो कमाल का बोलता है। अब वो करोड़पति वाले खेल में आप जानते हैं, फोन ए फ्रेंड होता है, तो हमारा दोस्त गया तो फोन ए फ्रेंड, बताइए किसको फोन करना, सुरेश, सुरेश को करो, कौन है आपका भाई है, दोस्त है, नहीं नहीं नहीं, उधार लिए 3 साल हो गए, फोन नहीं उठा रहा, आप करोगे तो उठाएगा, सारा देश सुनेगा इसने मुझसे उधार लिए, मिल जाए तो ठीक है, अपना तो फायदा, हार के भी गए तो इससे तो पैसे आ जाएंगे। ये देखिए तरीका है जिंदगी काम कराने का, ऐसा तरीका होना चाहिए। शेमारू चैनल और वाह भाई वाह के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शानदार कवि सम्मेलन। मैं आपके बीच में एक ऐसा सिनेरियो रख के आता हूँ कि जब प्यार शुरुआत हुआ, हमारे से पहले जब लोगों ने प्यार किया, फिर हमारे टाइम पर, और फिर जब हमारे अब जो करंट चल रहा है उसमें क्या क्या प्यार में बदलाव आया। अब तो करंट ही करंट चल रहा है, हमारे जमाने में प्यार में करंट नहीं होता था। बिल्कुल, पहले के जमाने, जैसे भैया बता रहे, हमारे जमाने में इशारों इशारों में बात होती थी जी, सिंपल इशारा चल रहा है कि नजर से जब नजर मिलती तो दिल ये बोलता है क्यों, वो राहों में जो दिख जाए तो दिल ये डोलता है क्यों, न मैं उसका न वो मेरी मगर फिर भी ये क्यों होता, उसे कोई जो कुछ बोले तो खून ये खोलता है क्यों, इशारों इशारों में ही हो रहा और कुछ नहीं हो रहा, बस इशारों में सोच लिया जी, वो हमारी वो तेरी, वो काली वाली तेरी, वो पीली वाली तेरी, बस। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमारे टाइम पर क्या हुआ, हमारे टाइम पे जब प्यार शुरू हुआ तो हमने भैया धोखे बहुत लिए, धोखे ऐसे ऐसे धोखे मिले कि बता दे तो आदमी रो पड़े, कि राहों में देखा उनको गाड़ी चलाते, वो ख्वाबों में आने लगी साड़ी सुखाते, मेरे इश्क की उम्मीदों की धज्जियां उड़ गई साहब, जिस दिन से देखा उसको दाढ़ी बनाते। आप प्यार कैसे करेंगे, आप जिससे प्यार कर रहे हो वो नाई की दुकान पे आपके बगल में बैठा है और वो कह रहा है आपकी वाली मेरे से सख्त है, नहीं हो सकता। दूसरे धोखे कि किस्मत में मेरे आशनाई नहीं थी, ऐसा भी ना था कमाई नहीं थी, उसकी मांगे पूरी करूं तो करूं कैसे,
होटो तक पहुंचू इतनी लंबाई नहीं थी। अच्छा गलत मत समझो, होटो तक पहुंचने का मतलब उसे कुछ खिलाना तो मैं पहुंच ही ना रहा हूँ। हम तो समझते ही नहीं है जैसे। हम तो घास खा रहे हैं सब खिलाने के लिए हैं। बहुत और, अच्छे। और अब देखिए जो इसलिए तेरे जीवन में मोहब्बत नहीं है कि होटो पे पहुंच के भी खिला ही रहा है। अच्छा अब देखिए प्यार कैसा बदला है अब जो करंट में। हम तो नहीं हो रहे, हमारी तो दिक्कत है। हमारी दिक्कत तो भैया ऐसी, हम ऐसे वक्त पे आ गए, ऐसी इतनी उम्र हो गई अपनी कि कोई तो मिले जिसपे लुटा दे हम जहां भी। कोई तो मिले जिसपे लुटा दे हम जहां भी, सभी कुछ चलेगा हमें ना भी और हाँ भी। उम्र के इस पड़ाव पे खड़े हैं आज हम लोग, हमें लड़की भी अच्छी लगे और उसकी माँ भी। बहुत अच्छे। ये प्यार हो गया। आज का प्यार क्या है? आज जो टीनेज जब जवान लोगों को देख रहे हैं, एक शब्द ने इतना खून पी लिया भैया हमारा, इतना खून पी लिया जहां देखो शब्द आ रहा है। अजीब ही हो गया, प्यार करते समझ नहीं आ रहा। प्रेमी प्रेमिका जब बात कर रहे हैं तो प्रेमी का अपने प्रेमी से बात कर रही है, छोटे 4-5 साल के बच्चे से बात कर रही है। समझ में नहीं आ रहा। मैं कविता आपके बीच में सीधे रखता हूँ कि आज का क्या प्यार चल रहा है। सिंपल शब्द देखिएगा कि गुची गुची मुची मुची सोना बाबू पुची पुची इलू 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 घूमी चले हुनुलुलु। कुची 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 मुची मुची सोना बाबू कुची कुची इलू 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 घूमी चले हुनु लुलु। प्यार ये कमाल है, सच में बवाल है, रात दिन रोना धोना खाबों में खोना खोना। प्यार कितना है राज बोलो खोलो खोलो, चाहते हो मुझको तो बोलो बोलो। हाथ छोड़ो सब देख रहे हैं, देखो देखो वहां कैसे एक रहे हैं। पक गए कान सुन सुन के ये भाया, पक गए कान सुन सुन के ये भाया, मेले 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 बाबू ने थाना थाया, मेरे 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 बाबू ने थाना थाया। कैसी लगती है मेरी चोटी, क्या मैं दिख रही हूँ मोटी? कैसी लगती है मेरी चोटी, क्या मैं दिख रही हूँ मोटी? नया फोन मुझको दिलाओ ना, मुझे सच्ची में अपना बनाओ ना, मुझे सच्ची में अपना बनाओ ना। पहले जैसे साथ अब नहीं चलते, क्या अब मुझे प्यार नहीं कलते? मूवी का बोल के दिखाया नहीं, तुम्हारी चोना ने कुछ भी खाया नहीं, तुम्हारी चोना ने कुछ भी खाया नहीं। मेरे जिंदगी में प्यार भर दो, मेरे वाईफाई का बिल पे कर दो। तो हरकतें तुम्हारी हैं सब खोटी, अभी जोर से मारूंगी चुप नॉटी, अभी जोर से मारूंगी चुप नॉटी। जहां देखो वही बस सुनने में आया, जहां देखो वही बस सुनने में आया, मेले 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 मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने थाना थाया। अब जैसे नींद कविता पढ़ के जाएगा, मैंने तुम्हें टीवी देखा बाबू तुमने बहुत अच्छा पढ़ा। ये हिंदुस्तान में ये जो है ना, और फिर ऐसा करने वाली लड़कियों ने आधे तलाक करवाए हैं। ये मैं शादियों में देखता हूँ, जी जू अरे तो इसको लखना पड़ेगा जी, अरे जी जो मदारी जो उछलते हुए खाएगा सीधी खड़ी रहे। न तो तलाना न मुंह बिचकाना, न बाबू का थाना चाहिए, मोहब्बत में सिर्फ भावना चाहिए। वो जो भावना हमारे भीतर है ना, वो जिंदा रहनी चाहिए। लेकिन वक्त बदल गया, तो ऐसे बदलते वक्त की एक कविता के लिए मैं उसे बुला रहा हूं जो पहली बार हमारे बीच में आया।